Hello, assalamu alaikum friends. As you know, we are here for you for your biology class, and it's as per our capacity building project, enabling youth for education. So you can join us on Zoom, and in Zoom meeting room you can have this lecture as well. So Miss Aisha Nadeem is here. She has to deliver her 12th lecture in this series of lectures. So Miss Aisha, are you there? Can we start now? I'm going to share the screen and the presentation she has developed, so she may start now. You can start now, Miss Aisha. Okay, thank you, sir. Assalamu alaikum, learners. I hope you all are doing good. Okay, so today is our 12th class according to the series, and we are going to discuss about the kingdom fungi. This is our third kingdom that we are going to study. Previously, we have discussed about kingdom prokaryota and kingdom protoctista in detail. Today, we are going to study in detail about kingdom fungi. The fungi, their reproduction, their nutrition, their advantages, and everything about fungi. So without wasting our time, let us start the lecture. Okay, next slide, please. All right, before starting it, let us know why fungi are important. Basically, agar fungi ke baare mein hum dekh rahe hain ki why they are important for us, अगर देखा जाए तो फंजाई के बहुत सारे हमें फायदे भी हैं, बहुत सारे हमारे लिए यूं समझ ले के हार्म भी है, हमें बहुत तरीके से दे रही है। तो काफी सारी जगहों के लिए हम समझते हैं कि फंजाई हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर तरीके से। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दे आर इम्पोर्टेंट एज डिकम्पोजर्स। हमारे फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए डिकम्पोजर्स आर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट, यू नो। एंड डिकम्पोजर्स का होना बहुत जरूरी है तमाम उन डेड लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स को डीके करने के लिए। डिकम्पोजर्स होंगे तो देन वो लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलेगी ना, लाइफ साइकिल नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो उस चीज के लिए डिकम्पोजर्स का होना बहुत जरूरी है, और डिकम्पोजर्स हमारे लिए बैक्टीरियाज हैं एज वेल एज फंजाई हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को जो है ना डिकम्पोज करते हैं और उससे फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जिससे फर्दर मोर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फंजाई आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स फाउंड ऑन अर्थ। इसके अलावा ये फूड को स्पॉइल करते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से यूं समझ ले बेनिफिशियल नहीं है, बट दे डू। इसके अलावा फंजाई के जरिए हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, स्पेशली एक एंटीबायोटिक है दैट इज पेनिसिलिन, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई पेनिसिलियम। सबसे पहले डिस्कवर होने वाली एंटीबायोटिक ही पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलियम फंजाई से बनाई गई थी। तो एंटीबायोटिक्स के तौर पे भी फंजाई हमारे लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फंजाई डिजीज करती है प्लांट्स के अंदर, जो कि प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट स्लाइड। अदर देन दिस, फंजाई बहुत सारी डिजीजेस एनिमल्स में भी करती है, लाइक एथलीट्स जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, उनके पाओं के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना ये समझ लें डिजीज कॉज करती है। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फंजाई है जो कि एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर रही है, स्पेशली हमारे स्किन के ऊपर जो हमें इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं वो भी फंजाई की वजह से होते हैं, पैरों के अंदर किसी भी तरीके के। इसके अलावा फंजाई हमारे ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए पॉइजन भी है। अगर कोई फंजाई है, लाइक अगर मशरूम की एग्जांपल लेते हैं, कुछ मशरूम एडिबल होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो वो हमारे लिए पॉइजनस भी होते हैं एक तरीके से। इसके अलावा फंजाई इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल हमारे लिए जो ना या इंडस्ट्रियल केमिकल्स आप क्या लोग प्रोड्यूस करती है, जैसे इथेनॉल। फंजाई क्या करते हैं, सिंपली जब फंजाई के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसके नतीजे में एक यू समझ लें केमिकल या इंडस्ट्रियल कंपाउंड या फ्यूल बनता है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल या अल्कोहल, इनके जरिए जो है ना फर्दर मोर अल्कोहल बनाई जाती है,
या यूं समझ लें कि बियर बनाई जाती है, तो इंडस्ट्रियली भी फंजाई हमारे लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट है और यूजफुल भी है. ओके नेक्स्ट. All right, now let us discuss that what are the main characteristics of fungi. सबसे पहला characteristics that is, you know, everyone should know that they are eukaryotic. Fungi के cells complete होते हैं with nucleus, तो इसलिए हम कहते हैं कि they are eukaryotic. इसके अलावा तमाम fungi multicellular होती हैं except one. Only the yeast. Yeast एक fungi है जो कि unicellular है. उसके अलावा तमाम के तमाम fungi multicellular होते हैं. They are heterotrophic होते हैं. इनका काम क्या होता है, ये हेटरोट्रॉफिक है. इट मींस के दे यू नो दे टेक फूड या दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानदारों से फूड हासिल करना इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को दूसरे जानदार से. यानी इनको आप एक और टर्म यूज कर सकते हो इनके लिए कि दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ. एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ मतलब ये किसी और से तो फूड हासिल कर रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब करके, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ पर्टिक्यूलर शेप. फंजाई को अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी काफी सारी फंजाई की तो शेप्स होती हैं, लेकिन अगर फंजाई को देखेंगे उसके अंदर कोई प्रॉपर ओपनिंग नहीं है या माउथ नहीं है जिसके जरिए वो खाना खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाना एब्जॉर्ब करते हैं. अब कुछ फंजाई जो है वो सेप्रोब्स होते हैं, सेप्रोब्स उनको बोलते हैं जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं. मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड मटेरियल से अगर वो फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन फंजाई को हम सेप्रोब्स कहेंगे. कुछ फंजाई पैरासाइट्स या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करती हैं जो कि किसी और से फूड तो हासिल कर रही है एज वेल एज उसे नुकसान भी पहुंचा रही है. इसके अलावा कुछ फंजाई म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोन्ट्स होते हैं. म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोन्ट्स किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी दो जानदार मतलब फंजाई किसी और चीज के साथ रह रही है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा हासिल हो रहा है. तो ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसी म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस उस एसोसिएशन को कहते हैं जिसमें दो जानदार रहे और दोनों का आपस में एक दूसरे से बेनिफिट हासिल हो, इसको हम सिम्बायोन्स या सिम्बायोसिस कहते हैं. तो फंजाई पैरासाइट्स भी हो सकती हैं एज वेल एज सिम्बायोन्स भी हो सकते हैं एज वेल एज सेप्रोब्स भी हो सकती है फंजाई, लाइक डेड ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करने वाली. ओके नेक्स्ट. अदर देन दिस फंजाई बहुत ज्यादा पावरफुल एंजाइम्स भी सीक्रेट करती है. जैसे फंजाई क्या करती है, मेजोरिटी वुड को वुड जो होती है ना लकड़ी उसको डिकम्पोज करने के तौर पे यूज होती है. अब डिकम वुड किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है. लिग्निन जो है ना एक कंपाउंड है जो वुड लकड़ी के अंदर बहुत ज्यादा डिपोजिट हुआ हुआ होता है, तो उसी की वजह से लकड़ी जो है वो इतनी हार्ड होती है. तो एंजाइम्स क्या करता है, बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स क्रिएट करता है जो कि वुड को तोड़ते हैं या खत्म करते हैं एक तरीके से. इसके अलावा ये बहुत सारे लाइपेज हो गया, सेल्युलेज हो गया. सेल्युलेज क्या करता है, उसको सेल्युलोज वगैरह को क्या करता है, खत्म करता है या डिकम्पोज या यूं समझ लें कि खाता है या कम करता है. तो एंजाइम्स जो है ना बहुत ज्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर फर्दर यू नो फंक्शंस. जैसे सेल्युलोज सेल्युलेज हो गया है, लाइपेज हो गया है, अमाइलेज हो गया है, ये तमाम एंजाइम्स जो है वो सिक्रेट करते हैं फंजाई. इसके अलावा सेल वॉल, फंजाई का एक मेन कैरेक्टर है कि इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है और इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है. जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल तो सेल्युलोज की बनी हुई है, लेकिन सेल वॉल फंजाई में काइटिन की बनी हुई है. काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है. यानी पॉलीसेकेराइड कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा शुगर मौजूद हो ना, तो काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है. और ये काइटिन जो है ना आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है. आर्थ्रोपोड्स एक फाइलम है और इसके इन जानदारों के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है. यानी ऐसा स्केलेटन जो इस जानदार के ऊपर हार्ड कवरिंग मौजूद होती है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. आर्थ्रोपोड की एक एग्जांपल जो है वो यूं समझ लें कि वो भी है क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच. यस, कॉकरोच के ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना हुआ है. तो काइटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो फंजाई की सेल वॉल में भी पाया जा रहा है. इसके अलावा अगर हम इसकी फ्लैजेला की बात कर रहे हैं, फंजाई जो है लोकोमोशन की बात करें, तो फंजाई लोकोमोशन नहीं करती. दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके अंदर फ्लैजेला भी नहीं है और जो है ना ये नॉन मोटाइल होती है. ओके नेक्स्ट.
ओके नाउ लेट अस लुक एट द बॉडी प्लेन ऑफ फंजाई. फंजाई की जो बॉडी होती है यानी वेजिटेटिव बॉडी, यू समझ ले, फंजाई की पूरी बॉडी को हम एक टर्म या एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं माइसीलिया या माइसीलियम. माइसीलिया या माइसीलियम हम कहते हैं बॉडी ऑफ फंजाई को, जिसके अंदर नेटवर्क यानी एक जाल पाया जाता है धागों का, थ्रेड्स का, जिसको हम कहते हैं हाइफे. तो माइसीलिया क्या है? कंप्लीट बॉडी है फंजाई की जिसके अंदर थ्रेड्स जैसा नेटवर्क पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाइफे. हाइफे किसको कहते हैं? लॉन्ग थ्रेड ऑफ सेल्स, सेल्स के बने हुए लंबे लंबे से धागे हैं जो कि क्या करते हैं, कम करते हैं यानी सॉरी मैक्सिमाइज करते हैं सरफेस एरिया एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स. इनका काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसका, ताकि फंजाई ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके. तो एक माइसीलियम बॉडी के अंदर बहुत सारे हाइफा क्या होते हैं, एक नेटवर्क की शक्ल में मौजूद है. हाइफे को हम लॉन्ग थ्रेड्स कहते हैं जिसके अंदर सेल्स मौजूद है. ओके नेक्स्ट. ओके यू कैन सी हेयर के यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. माइसीलिया हम किसको कह रहे हैं? इस कंप्लीट बॉडी को जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो आपको जाल नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक, इस कंप्लीट को हम कहते हैं हाइफे. हाइफेन थ्रेड्स को कहते हैं जो पूरी यू नो माइसीलिया के अंदर अरेंज हुआ हुआ, और इसी हाइफे में से स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको हम सिंपली कहते हैं, जो कि यू नो फंजाई का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिससे फंजाई रिप्रोडक्शन करता है फॉर फर्दर, चाहे वो असेक्सुअल हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो. ओके नेक्स्ट. ओके अब हम हाइफा को थोड़ा डिटेल करते हैं. वालेकुम अस्सलाम शाजिया. ओके अब हम हाइफे के बारे में बात करते हैं. हाइफे बेसिकली क्या है? हाइफे आर डिजाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फंजाई एंड दस फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन. मैंने आपको क्या बताया कि एक छोटे से यू नो माइसीलियम के अंदर इतना ज्यादा जाल या नेटवर्क क्यों है हाइफे का, ताकि फंजाई का सरफेस एरिया भी बड़ा हो सके और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फंजाई एब्जॉर्ब कर सके. इसीलिए जो है ना हम कहते हैं कि हाइफे जो है ना वो मेजॉरिटी क्या काम करता है, फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन. इसके अलावा जो ये जो सेकेंड ओके इसके अलावा फंजाई का सॉरी हाइफे की अगर हम बात करें, बहुत तेजी से हाइफे बढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर पर डे बढ़ते हैं, और ये जितने ज्यादा ये बढ़ेंगे उतने ज्यादा फूड सोर्स जो है स्प्रेड होगी. इसके अलावा द थर्ड पॉइंट कहता है कि इन सम फंजाई द साइटोप्लाज्म इन द हाइफे आर नॉट डिवाइडेड बाय सेल वॉल. जी शादिया, फंजाई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करता है, ये डिकम्पोजर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यू नो यू समझ लें कि बहुत ज्यादा एंजाइम्स भी ये जो है ना प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है. तो जिस भी चीज पे डिकम्पोजर्स हमारे जो है ना इस पूरे लिविंग अर्थ में दो ही हैं, बैक्टीरियाज हैं और फंजाई है जो कि चीजों को डिकम्पोज करते हैं. इसके अलावा कोई और हमारे पास डिकम्पोजर्स नहीं है. ओके हम बात कर रहे थे हाइफे की. हाइफे हमने पढ़ा सेल्स का बना हुआ एक लॉन्ग सा जो है ना यू नो स्ट्रक्चर या धागा है. तो बहुत सारे हाइफे ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेल्स के साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुए हुए. देखो एक सेल दूसरे सेल से कब डिवाइड होता है? जब उसके दरमियान सेल वॉल होती है. तो अगर डिफरेंट बहुत सारे सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है तो उसके साइटोप्लाज्म क्या होंगे? आपस में मिक्स हुए हुए होंगे, और उसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस स्ट्रक्चरल वाइज मिक्स हुए हुए होंगे. तो उसको इस किस्म के भी कुछ हाइफे होते हैं, जबकि कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पार्टीशंस मौजूद होती है. पार्टीशंस को हम कहते हैं सेप्टा. सेप्टा का क्या काम है? सेप्टा हर एक साइटोप्लाज्म को दूसरे साइटोप्लाज्म से क्या रखती है? पार्शली मतलब डिवाइड रखती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में यू नो मूव कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट. यहाँ पर जी ओनली यीस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई. यीस्ट के अलावा कोई और फंजाई यूनिसेलुलर नहीं है. ओके अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चरल वाइज देख रहे हैं, यू कैन सी कि दो जो है ना हमारे पास यहाँ पर हाइफे मौजूद है.
एक हाइफे में अगर आप गौर करेंगे, यू कैन सी कि ये जो इसके अंदर ना डायरेक्टली क्या है, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा मिक्स हुआ हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है। ऐसा हाइफा जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो उसको हम कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे या कोइनोसाइटिक बॉडी ऑफ फंजाई, जिसके अंदर पूरे हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसको होता है, जिसको हम कह सकते हैं। जबकि आप सेप्टा वाला हाइफे अगर देख रहे हो, इसके अंदर हर एक साइटोप्लाज्म के बाद एक पार्टीशन हुई हुई है, पार्टीशन यानी एक कंपार्टमेंट बने हुए, यानी इस पार्टीशन का क्या काम है, ये पोर्स है। इसमें क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म का मटेरियल दूसरे साइटोप्लाज्म में मिक्स हो सकता है, पर एक पर्टिकुलर पार्टीशन हुई है, यानी एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्योंकि हर एक सेल एक दूसरे से डिवाइड हुआ हुआ है। तो बहुत सिंपल सी पर्टिकुलर से कॉन्सेप्ट है कि नॉन सेप्टेट हाइफे उसको कहते हैं जिसके अंदर सेल्स आपस में या साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हुआ हुआ होता है, और नॉन सेप्टेट हाइफे जो है ना, सॉरी सेप्टेट हाइफे हम उसको कहते हैं जिसके अंदर पार्टीशन हुई भी हो, एक सेल दूसरे सेल से क्या हुआ हुआ, डिवाइड हुआ हुआ हो। ओके शादिया, आपको जो भी क्वेश्चनिंग करनी है आप यहाँ पर मैसेजेस में लिख दें, हम इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपके क्वेश्चनिंग का आंसर करती हूँ मैं। ओके नेक्स्ट, ऑलराइट, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मींस स्पेशली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। फंजाई सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है एज वेल एज एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करती है, क्योंकि स्पोर्स जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं अगर रिप्रोडक्शन देखी जाए तो जो तीन मेजर फाइला है फंजाई के, वो जैसे कि मतलब जो फंजाई जिसमें क्लासिफाई हुई हुई है फर्दर मोर, तो वो फाइला जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे क्लासिफाई हुए हैं। जबकि एक फंजाई का जो फाइला है उस वो जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्टिव फंजाई, उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब तक अननोन है, लाइक अभी तक वो कंफर्म नहीं हुई है कि हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। इसीलिए हम कहते हैं कि जो तीन रिप्रोडक्शन तीन फाइला है उसके अंदर तो रिप्रोडक्शन देखी जा सकती है सेक्सुअल, जबकि एक जो फोर्थ फाइला है जिसको हम इम्परफेक्टिव फंजाई का नाम देते हैं उसके अंदर अभी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी गई। जो तीन फाइला है, एक जिसमें से एक को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई, एक को हम कहते हैं सेक लाइक फंजाई, और एक को हम कहते हैं क्लब फंजाई। ये इनकी दूसरे टर्म्स हैं जो उनको दिए गए हैं। ओके नेक्स्ट, ओके सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोमाइकोटा, द फर्स्ट फाइलम ऑफ फंजाई, इसका दूसरा नाम कॉन्जुगेशन फंजाई है, और zygomycota means zygote forming fungi, ऐसी फंजाई जो zygote बनाती है उसको हम कहते हैं zygomycota। zygomycota के अंदर जो है ना नॉर्मली तौर पे rhizopus एक फंजाई है वो आते हैं जिसके अंदर rhizoids पाए जाते हैं। अब तक approximately 600 species इस फाइलम की मंजी डिस्क्राइब हो चुकी है। ये जो फंजाई है ये मोस्टली टेरिस्ट्रियल होती है, लाइक खुश्की पे या लैंड पे पाई जाती है। इसके जो हाइफा होते हैं ना वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स उस फंजाई को कहेंगे जिसके हाइफा रूट्स की शक्ल में फंगस के नीचे पाए जाएं और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करें और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करें। तो राइजोइड्स बहुत सिंपल है, राइजोइड्स उस हाइफे को कहेंगे जो रूट की तरीके से फंजाई के जमीन के अंदर फैले हुए हो या रूट्स की शक्ल में हो, उनको हम राइजोइड्स कहते हैं। ये सिक्रिएट करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि मजीद चीजों को डाइजेस्ट करते हैं एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके नेक्स्ट, ऑलराइट, अब बात करते हैं zygomycota के अंदर नॉर्मली तौर पे रिप्रोडक्शन की बेसिस पे हो रही है। देखें अदर हाइफे जिसको हम स्टोलोन्स कहते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो इन अ नेटवर्क ओवर द सर्फेस ऑफ द फूड, give rise to sporangiospores which are the reproductive hyphae। देखिए अगर आप यहाँ पर नॉर्मल तौर पे देख रहे हैं इसके डायग्रामेटिकली, अगर आप देखें जो नीचे रूट्स की शक्ल में पाए जा रहे हैं, these are rhizoids,
राइजॉइड्स के ऊपर यू नो एक हाइफे जा रहा है जो कि कोइनोसाइटिक हाइफे। कोइनोसाइटिक मैंने आपको क्या बताया, ऐसा हाइफे जिसके अंदर पार्टीशन यानी जिसके अंदर सेप्टा नहीं हो, एक ही लॉन्ग बहुत सारे साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ हुआ और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे को हम कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे। कोइनोसाइटिक हाइफे के ऊपर आपको ब्रांचेस लाइक हाइफे नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्पोरंजियोफोर। इस स्पोरंजियोफोर पे स्पोरंजियम लगा हुआ होता है जो कि स्पोरंजियोस्पोर्स बनाता है। स्पोरंजियोफोर और स्पोरंजियोस्पोर्स आर द टू डिफरेंट थिंग्स। यू कैन क्लियरली सी दैट ये जो ब्रांच है इसको आप स्पोरंजियोफोर कह रहे हैं, इस पे जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है इसको हम स्पोरंजियम कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोरंजियोफोर हम कहते हैं उस स्ट्रक्चर को जिसपे स्पोरंजियम लग रहा है, और ये जो स्पोरंजियम है ये इसका रिप्रोडक्टिव यू नो आप कह लो कि हाइफे है या ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव हाइफे हम कहते हैं स्पोरंजियो स्पोर को। इसको हम दूसरे नाम से तौर पे हम इसको स्टोलोन भी कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट। ऑल राइट, जाइगोमाइकोटा जो है ना मेजोरिटी अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए करते हैं। आपको अभी अभी मैंने जो हमने पीछे डिस्कस किया एक ब्रांच है जिसको हम स्पोरंजियोफोर कह रहे हैं, जिसपे एक बॉडी रिप्रोडक्टिव बॉडी लगी हुई है यानी एक स्ट्रक्चर लग रहा है जिसको हम स्पोरंजियम कहते हैं। उस स्पोरंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड व्हेन दीस स्पोरंजियोस्पोर्स यू नो स्प्रेड जब ये फैल के कहीं पे जाके गिरते हैं तो इसमें से फर्दर माइसीलियम ग्रो करता है, और फर्दर माइसीलियम से क्या होता है नया फंजाई बनता है। तो सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कहते हैं जो कि स्पोर्स के जरिए हो, इसलिए ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन हो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। कॉन्जुगेशन कब होती है, व्हेन हाइफे ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स टच, मतलब दो मुख्तलिफ फंजाई के हाइफे जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसीजर को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। जब हाइफे फ्यूज होते हैं तो स्वेल मतलब फूल जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। द वॉल बिटवीन द टू हाइफे ब्रेक्स एंड द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। सिंपली क्या होता है, जब दो डिफरेंट हाइफे आपस में फ्यूज करते हैं मैं बात कर रही थी कि जब वॉल की बात कर रही थी मैं कि जब जो हाइफे के दरमियान जब दो हाइफे आपस में फ्यूज करते हैं तो उनके अंदर जो वॉल लगी हुई होती है वो टूटती है और दोनों हाइफे के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। जितने न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे उतने ज्यादा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे फॉर्म, और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फर्दर मोर जाकर एक जाइगोस्पोर बनाता है विच अलाउ द फंगस टू सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन विल ग्रो अगेन व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल। मतलब इस जाइगोस्पोर से एक नया जाइगो माइकोटा का यू नो फंजाई बनेगी जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी चीज यू नो इजिली और नॉर्मली रिप्रोड्यूस हो या ग्रो कर सके, उसको हम फेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। ऑलराइट नेक्स्ट। यहां पर ऑलराइट यहां पर आप एक जो है ना बहुत क्लियर सी स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करते हैं जो जिसकी लाइफ साइकिल ऊपर मौजूद है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली क्या होता है, देखिए माइसीलिया की पूरी बॉडी में ऊपर जो है स्पोर्स लग रहे हैं, किसके अंदर स्पोरंजियम के अंदर स्पोर्स लग रहे हैं। जब ये स्पोरंजिया हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज करेगा ये स्पोर्स जाकर कहीं गिरेंगे तो नया माइसीलियम ग्रो करेगा। इस सिंपल सी रिप्रोडक्शन को तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑलराइट, व्हेन तो उसके दरमियान वाली जो यू नो सेल वॉल है वो बंद हो वो खत्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो आप यहाँ सेंट्रल देख सकते हैं इन दो हाइफे के फ्यूज होने से जाइगोस्पोर बना है। जाइगोस्पोर एक डिप्लॉइड बॉडी है जिसके अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इस जाइगोस्पोर में फर्दर मोर क्या होगी, मियोसिस होगी, और जब इसके अंदर मियोसिस होगी तो इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। ये ही जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो इससे फर्दर मोर नया हाइफे बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें बोलेंगे जिसमें दो मुख्तलिफ हाइफे फ्यूज करें, जाइगोस्पोर बनाए,
वो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना रहा है। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेक्सुअल, जबकि इस सेक्सुअल हम कहेंगे सिंपल सा एक जो है ना स्पोर प्रोड्यूसिंग एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं स्पोरंजिया। उस स्पोरंजिया से जब स्पोर्स रिलीज होके गिरेंगे तो उसको हम कहेंगे सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके नेक्स्ट। All right, the second phyla is Ascomycota. Ascomycota को हम sac like fungi कहते हैं। देखिए Ascomycota मतलब sac like एक थैले नुमा, you know, एक cup shaped आप simply कह सकते हैं, या sac like थैले नुमा। इसके अंदर कौन आता है? Yeast आता है, powdery mildew, morels and cup fungi, ये सब के सब fungi के names हैं। Ascomycota is one of the largest group of fungi, बहुत ज्यादा मतलब यू नो लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, और इसके अंदर तमाम के तमाम मल्टीसेलुलर फंजाई आते हैं ओनली यीस्ट को छोड़ के, बिकॉज यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंजाई, पर ये यीस्ट भी एस्कोमाइकोटा के अंदर ही आती है। ओके नेक्स्ट। ऑलराइट, एस्कोमाइकोटा के अंदर जो हाइफे है वो सेप्टा होता है, यानी सेप्टेट हाइफे, जिसकी मैंने आप हमें पीछे जो जाइगोमाइकोटा पढ़ा उसके अंदर जो हाइफे है वो नॉन सेप्टेट था, मतलब उसमें पार्टीशन नहीं हुई हुई थी, सेप्टा नहीं थे, लेकिन इसके एस्कोमाइकोटा के हाइफे के अंदर सेप्टा होते हैं। और ये क्या करता है, सेक फंजाई प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, ये जो है यू नो दो किस्म के स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये सेक्सुअल, अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एस्को स्पोर्स। अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एक नई किस्म के स्पोर्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोनिडिया। एस्को स्पोर्स डेवलप विद इन अ सैक लाइक एस्कस। एस्को स्पोर्स यानी जिसको हम सेक्सुअल स्पोर्स कह रहे हैं वो एक सैक लाइक एस्कस जैसी बॉडी के अंदर बंद होते हैं या उसके अंदर डेवलप करते हैं। ऑलराइट नेक्स्ट। ओके, द विजिबल पोर्शन ऑफ द फंगस इज द फ्रूटिंग बॉडी विच कंटेन द स्पोर बियरिंग सैक एस्की। अभी अभी हमने पीछे बात की कि ये जो एस्को स्पोर्स होते हैं इनके सेक्सुअल स्पोर्स वो बंद होते हैं एक थेले सेक जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एस्कस, या आप उसको एस्की भी कह सकते हैं। तो जो विजिबल पोर्शन है ना इस फंजाई का उसको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, जिसके अंदर एस्कस लगा हुआ है। एस्कस बोल रहे हैं वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे एस्को स्पोर्स होंगे। बीनीथ द सर्फेस इज अ लार्ज माइसीलियम, इस फ्रूटिंग बॉडी के नीचे यू नो इस फ्रूटिंग बॉडी के नीचे एक लार्ज माइसीलियम है। सम मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कॉज प्लांट डिजीजेस। एस्कोमाइकोटा के कुछ ग्रुप्स या कुछ फंजाइज ऐसे भी हैं जो कि प्लांट डिजीजेस करते हैं, और इनकी भी रिप्रोडक्शन सेम है, व्हेन टू यू नो डिफरेंट स्पोर्स फर्टिलाइज या फ्यूज करेंगे तो एक यू नो एस्को स्पोर बनाएंगे सेक्सुअल, और एस्को स्पोर से मजीद फर्टिलाइजेशन या यू समझ लें कि जर्मिनेट जब एस्को स्पोर होगा तो सेम एज इट इज नया माइसीलियम बनेगा एस्कोमाइकोटा का। ऑलराइट नेक्स्ट। बाद हम बात करते हैं बेसिडियोमाइकोटा की। ओके, बेसिडियोमाइकोटा को हम क्लब फंजाई कहते हैं, क्लब शेप्ड फंजाई हम सिंपली कह सकते हैं। इसके 25,000 अभी तक स्पीशीज ना यू नो इसके डिस्क्राइब हो चुकी हैं, जिसके अंदर टोड स्ट्रोस आते हैं, पफ बॉल्स, रस्ट एंड स्मर्स। रस्ट एंड स्मर्स वो फंजाई है जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीजेस कॉज करती हैं। इसके अंदर मशरूम्स भी आते हैं एज वेल एज, ये जो है ना इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है वुड के, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है लिग्निन को हाइड्रोलाइज करने की। इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया कि जो वुड है लकड़ी है वो यू नो लिग्निन से लिग्निन उसके अंदर बहुत ज्यादा डिपॉजिट हुआ हुआ है, तो इनकी ये यू नो क्वालिटी है कि इसके ये लिग्निन को हाइड्रोलाइज करते हैं यानी खत्म करते हैं, इसी वजह से ये जो है ना डिकम्पोजर्स है वुड के, यानी ये वुड को खाते हैं ये वाली फंजाई बेसिडियोमाइकोटा। ओके नेक्स्ट। ओके, फ्रूटिंग बॉडी जो इसकी होती है यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो यानी जो नई फ्रूटिंग बॉडीज इसकी बनती है वो तभी ग्रो करती है जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। फेवरेबल कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशन या ऐसा सीजन जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सके, ये सिर्फ तभी ग्रो करते हैं। द मेन पार्ट ऑफ दिस फंगस इज द माइसीलियम विच ग्रोस अंडरग्राउंड। इसका जो माइसीलियम होता है वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, नॉट अपर ग्राउंड में नहीं मूव कर ग्रो करेगा, अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे
इसका माइसीलियम ग्रो करता है, जमीन के ऊपर इसकी फ्रूटिंग बॉडी यू नो मौजूद होती है। अब तक जो लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशरूम है जिसको हम कहते हैं लहनी मशरूम, वो अब तक का लार्जेस्ट फंजाय है, क्लब फंजाय है दुनिया का, जिसका जो कि कवर करता है 2200 acres जमीन का यू नो एरिया, और साइज में वो कितना है 1220 सोकर फील्ड तक इतना ग्रो करता है। तो यानी ये वाला ओरिगोन, ओरिगोन एक जो है ना यू नो एरिया है जहां पर ये वाला पाया जाता है, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट यू नो ग्लव फंजाई दैट इज फाउंड इन द वर्ल्ड। इसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो मजीद आप इसके बारे में पढ़ सकेंगे कि ये कहाँ है, कैसा है, दिखने में कैसा है और क्या चीज है जो भी। ऑल राइट नेक्स्ट। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनकॉमन है, अनकॉमन मतलब अभी तक प्रॉपर तरीके से वो यू नो डिस्कवर नहीं हो सकी कि हाउ डू दे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियो स्पोर्स जिस बॉडी के अंदर बनते हैं उसको हम कहते हैं क्लब, तभी इसकी फ्रूटिंग बॉडी ना क्लब शेप यानी एक कप जैसी स्ट्रक्चर में होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है क्लब शेप जब भी हम इसको कहते हैं, और इसकी क्लब शेप्ड बॉडी को हम जो है ना यू नो इसकी फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। इसमें यानी बेसिडियो माइकोटा में और एस्को माइकोटा में क्या चीज सिमिलर है कि उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम है एस्कस, और इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम बेसिडस कहते हैं जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके अंदर एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों चीजें इनमें सिमिलर है। ऑलराइट नेक्स्ट। You can see here a very you know common mushroom. Mushroom जो है अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इस मशरूम में एक तो स्टॉक होती है, स्टॉक मतलब ये जो अपर ग्राउंड में अर्थ पे लग रहा है, इसके ऊपर वाली जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कैप कहते हैं। सिंपली क्या होता है, द अंडर सरफेस हैज मेनी गिल्स दैट आर मेड अप ऑफ हाइफे, इसके अंदर बहुत सारे यू नो स्ट्रक्चर्स या हाइफे लग रहे होते हैं जिसको आप गिल्स कह सकते हैं, और ईच गिल हैज मेनी बेसिडिया वेयर द स्पोर्स आर प्रोड्यूस। अभी अभी मैंने क्या कहा कि इसकी जो यू नो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं उस फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडिया कहते हैं। तो इसके अंदर इसी यानी कैप के नीचे वाले एरिया में जहां बहुत सारे हाइफे हैं उस हाइफे पे बहुत सारे बेसिडिया यानी फ्रूटिंग बॉडीज लग रही होती हैं, उस फ्रूटिंग बॉडीज में बहुत सारे बेसिडियो स्पोर्स लग रहे होते हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी में एटलीस्ट 4 बेसिडियो स्पोर लग रहे होते हैं। जब भी ये बेसिडियो स्पोर्स कहीं पे नीचे गिरेंगे फर्दरमोर देन वो नया माइसीलियम जर्मिनेट करेगा। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर आप जो है ना बजाहिर एक यू नो मशरूम का स्ट्रक्चर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है बहुत कॉमन सा एक बेसिडियो माइकोटा का बेसिडियो माइकोटा फंजाई है जो बेसिडियो माइकोटा फाइलम में आता है, इसको हम क्लब शेप्ड फंजाई भी कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिडियो माइकोटा जिसके अंदर मशरूम्स की हम बात करें तो मशरूम्स जो है ना बहुत सारे मशरूम्स एडिबल है, एडिबल मतलब कि वी कैन ईट देम, लेकिन बहुत सारे जो है ना बहुत सारे फंजाई जो है यानी मशरूम्स जो है वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस मतलब बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं जो हमारे लिए इंतहा से ज्यादा हार्मफुल होते हैं। स्पेशली 3 किस्म की वाइल्ड मशरूम्स जो है ना जो कि पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं मोरल्स, चेंट्रल्स और पाइन मशरूम, ये तीनों वाइल्ड मशरूम्स हैं जो कि पॉइजनस है। सिंस द डिफरेंट स्पीशीज आर हार्वेस्टेड एट डिफरेंट टाइम्स These wild mushrooms can be harvested throughout the growing season. मतलब ये जो wild mushrooms है ना ये throughout the growing season मतलब पूरे you know yearly तौर पे जो है ना ये समझ ले कि ये grow करते हैं, they are extremely poisonous. तो इसीलिए हम कहते हैं कि not every mushroom is edible. हम कभी भी कोई mushroom use करते हैं क्योंकि mushroom हमारी food source भी है एक तरीके से, हमें हम मशरूम से फूड भी लेते हैं और मशरूम बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ना इस्तेमाल होता है, बहुत सारे हम फूड में भी मशरूम्स को इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट ऑल द मशरूम्स आर एडिबल, बहुत सारे मशरूम्स जो है ना वो यू नो वाइल्ड मशरूम्स होते हैं जो हम खा नहीं सकते। ओके नेक्स्ट। बात करते हैं
द फोर्थ फाइला दैट इज ड्यूटेरोमाइकोटा. ड्यूटेरोमाइकोटा को हम इम्परफेक्टिव फंजाई कहते हैं. यू नो इम्परफेक्टिव फंजाई से क्यों कहा जाता है, देखिए दीज ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई बट हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली. मतलब ये एक ऐसा फंजाई का फाइला है जिसके अंदर तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई की, लेकिन सिर्फ एक चीज जो इसके अंदर नहीं पाई जाती या अब तक नहीं देखी गई है, दैट इज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसके अंदर अभी तक अननोन है. मतलब ये रिप्रोडक्शन तो करते हैं पर एक्यूरेट वे नजर या अब तक डिस्कवर नहीं हुआ कि हाउ डू दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस. एस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूटेरोमाइकोटा कैन नॉट बी डेफिनेटली प्लेस्ड इन एनी फाइलम. यानी अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि फंजाई की क्लासिफिकेशन उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर की गई है. तो ड्यूटेरोमाइसीट्स ऐसे यू नो फंजाई है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अब तक अनकॉमन है या अननोन है, तो इसीलिए इसको हम इम्परफेक्टिव फंजाई बोलते हैं, लाइक सब फंजाई से डिफरेंट. ओके नेक्स्ट. ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद भी फंजाए है और हार्मफुल भी फंजाए है. फायदेमंद की बात करें तो पेनिसिलियम एक ऐसी फंजाए है यू नो जिससे एंटीबायोटिक्स बनती है, पेनिसिलिन जो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है. लेकिन अगर हार्मफुलनेस में बात की जा रही है ना, तो बहुत सारे ड्यूटेरोमाइकोटा यू नो एथलीट्स के पाँव में इन्फेक्शन करते हैं. यू कैन सी हेयर के इनके पाँव का यू नो कोई स्किन डिजीजेस में आता है कि ये इस तरीके के इन्फेक्शन करते हैं पाँव में, एथलीट्स के पाँव में. ओके नेक्स्ट. ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर लाइचिंस. लाइचिंस हम कहते हैं लाइचिन एक यू नो यू ऐसे समझ लिया कि रिलेशनशिप है फंजाई और अल्जी का, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड अल्जी इज कॉल्ड लाइचिंस. लाइचिन हम कहते हैं ऐसी एसोसिएशन जिसमें फंजाई और अल्जी एक साथ रह रहे हो, दोनों को एक दूसरे से फायदा भी हासिल हो रहा हो, इस किस्म की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लाइचिन कहते हैं. इसके अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब हो चुकी है. सम लाइचिन आर एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 4,500 ईयर्स ओल्ड. मतलब कुछ ऐसे लाइचिन भी हैं, लाइचिन हम कह रहे हैं जिसमें फंजाई और अल्जी दोनों रहती हूँ साथ में ना, उस एसोसिएशन को हम लाइचिन कहते हैं. तो अब तक एस्टिमेटेड देखा गया है कि बहुत ज्यादा यू नो लाइचिन 4,500 ईयर्स से भी ज्यादा जो है ना रह सकते हैं, ओल्ड है या पुराने हैं. Ascomycetes are usually the fungal component, although some basidiomycete lichens are known. अब तक अगर देखा जाए तो basidiomycetes में ज्यादा lichens पाए गए हैं, यानी ऐसे basidiomycetes हैं फंजाई हैं जो कि अल्जी के साथ एसोसिएशन में रहते हैं. इनका जो हाइफे है वो ज्यादा जो है ना यू नो मास की शक्ल में होता है, यानी एक वजनी से कोई स्ट्रक्चर हो. फंगस प्रोवाइड मोस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मिनरल. अब देखें सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसको कहते हैं जिसमें दो जानदार रह तो साथ ही रहे हो लेकिन दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हासिल हो रहा हो. तो अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई और अल्जी एक साथ एक जगह रह रहे हैं, तो व्हाट यू नो क्या कर रही है दोनों एक दूसरे के लिए. तो फंगस की अगर हम बात करें, फंगस क्या करता है, एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मिनरल्स देता है, सपोर्ट देता है, किसको, अल्जी को. जबकि अल्जी क्या करती है, अल्जी यू नो अल्जी प्रोवाइड करती है फिक्स्ड कार्बन, क्योंकि अल्जी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. अल्जी अपने फोटोसिंथेसिस के जरिए यू नो कार्बन यू नो या अपना कोई भी मटेरियल जो थ्रू फोटोसिंथेसिस वो बना रही है वो फंजाई को देती है. तो फंजाई से अल्जी को फायदा मिल रहा है और अल्जी से फंजाई को फायदा मिल रहा है, इस किस्म की एसोसिएशन को हम लाइचिंस कहते हैं. नेक्स्ट. लाइचिंस कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, इसमें फंजाई और अल्जी दोनों कंबाइनली एक ही जगह पर यू नो मिक्स हुए हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इस किस्म की यू नो एसोसिएशन को हम लाइचिन कहते हैं. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी एसोसिएशन की जिसको हम कहते हैं माइक्रोराइजे. माइक्रोराइजे जैसे हमने पढ़ा कि फंजाई कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोसिस या सिम्बायोन्स फंजाए है जो कि किसी और के साथ यू नो एसोसिएशन में रहते हैं. तो देयर आर टू यू नो सिम्बायोसिस फंजाए, एक तो सिम्बायोसिस एसोसिएशन, एक तो लाइचिंस है जिसमें अल्जी और फंजाई की एसोसिएशन देखी गई है, एक माइक्रोराइजे है. माइक्रोराइजा
कहते हैं एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस बिटवीन प्लांट एंड फंगस. माइकोराइजा एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर प्लांट और फंगस आपस में मिलकर रहे या एक दूसरे को फायदा दे. अब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स आर रिकॉग्नाइज्ड. टाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर पोजीशंस अलोंग टू ग्रेडियंट. एन इकोसिस्टम नॉर्मली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टाइप्स ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन. माइकोराइजल एसोसिएशन में सिंपली क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसकी रूट्स के साथ साथ यानी अंडरग्राउंड में फंजाई भी लगी हुई होती है. यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली भी अगर देख रहे हैं तो प्लांट है उसकी रूट्स है, उसकी रूट्स पर फंजाई लग रही है. तो क्या होता है कि रूट्स से फंजाई को फायदा हासिल हो रहा है प्लांट से, और प्लांट से फंजाई को फायदा हासिल हो रहा है, फंजाई रूट्स को फायदा हासिल कर रही है या फायदा दे रही है. तो दोनों चीजों को जब एक साथ देखा जाए, दोनों चीजें एक साथ पाई जा रही है, इसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, जो नॉर्मली हमारे इकोसिस्टम में काफी हद तक पाई जाती है और बहुत कॉमन भी है. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद अब हम यहाँ पर एक सिंपल सी फंजाई के लाइफ साइकिल देखते हैं. पहले तो हमने एक नॉर्मली रिप्रोडक्शन देखी ना, कि रिप्रोडक्शन चार डिफरेंट फाइला में कैसे कैसे हो रही है. अब एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करें फंजाई की, तो फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली. यानी फंजाई दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही है, सेक्सुअली भी करती है, सेक्सुअली भी करती है. पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली क्या होता है कि ये जो हाइफे लग रहा है, हाइफे के अंदर फ्लोटिंग बॉडी होती है जिसको हम स्पोरंजियोफोर, जैसे हमने देखा उसमें क्या होता है स्पोरंजिया जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. ये स्पोर्स जब कहीं गिरकर जर्मिनेट कर जाएं तो इसी यानी ये स्पोर किसी और के साथ फर्टिलाइज नहीं हुए, स्पोर जमीन पर गिरकर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो डायरेक्टली नए फंजाई में डेवलप कर गए. इस किस्म की जर्मिनेशन को या इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लास्मोगैमी होती है. प्लास्मोगैमी अच्छा किसको कहते हैं, बेसिकली देखिए, हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म अ हेटरोकैरियोटिक सेल विद टू और मोर न्यूक्लिया. देखिए, दो मुख्तलिफ माइसीलिया यानी दो डिफरेंट फंजाई के माइसीलिया व्हेन फ्यूज टुगेदर, फ्यूज होते हैं तो उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं. जब दो मुख्तलिफ न्यूक्लिया आपस में फ्यूज होंगे तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लिया बनाएंगे, इसको हम हेटरोकैरियोटिक स्टेज कहते हैं. हेटरोकैरियोटिक स्टेज में जब दो मुख्तलिफ न्यूक्लिया आपस में फ्यूज हो गए तो उन्होंने डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया. डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर म्योसिस होगी, क्योंकि डिप्लॉइड जो भी चीज होती है उसके अंदर म्योसिस होती है. म्योसिस हम कहते हैं एक डिवीजन हो किसी सेल की, जो एक सेल चार उसमें डिवाइड हो, चार डिफरेंट डॉटर सेल्स में, चार डॉटर सेल्स में किसी का डिवाइड हो जाना, इसको हम म्योसिस कहते हैं. तो सिंपल है, दो मुख्तलिफ माइसीलियम आपस में मिले, उनके अंदर मौजूद उनके जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हुए. दो डिफरेंट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होने से क्या बना चुके हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना चुके हैं. यही डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर फिर म्योसिस होगी. म्योसिस होने से बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे. ये स्पोर्स जब मल्टी सेलुलर माइसीलियम इज फॉर्म, यही स्पोर्स जब जमीन पर जाकर गिरेंगे और प्रोड्यूस होंगे तो क्या बना लेंगे, नया माइसीलियम बना लेंगे. तो सिंपल है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में बन तो स्पोर्स ही रहे, पर फर्क क्या है, वो स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट हो रहे हैं, ये जो स्पोर्स है ये दो डिफरेंट न्यूक्लिया या दो डिफरेंट माइसीलियम के फ्यूज होने के बाद बने हैं. तो दोनों रिप्रोडक्शन को हम अलग अलग कहेंगे, वो एसेक्सुअल होगी, ये सेक्सुअल होगी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की. तो हमने बात की कि फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक होती है क्योंकि ये किसी और से खाना हासिल करते हैं. हेटरोट्रॉफिक फंजाई के अंदर भी तीन किस्म की फंजाई आ जाती है. होलोजोइक न्यूट्रिशन आ गई है, सेप्रोफाइटिज्म आ गया है, पैरासाइटिज्म आ गया है. पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिये, द ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन टू दर बॉडी. इस किस्म की हम कहते हैं ह्यूमन एनिमल इंसेक्टिवोरस प्लांट. अच्छा, अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं ना, फंजाई होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं करती. होलोजोइक न्यूट्रिशन उसमें बोलते हैं जिसमें कोई खाना या सॉलिड मटेरियल इंजेस्ट किया जाए. इंजेस्ट मतलब खाया जाए, फिर वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो,
और उसमें मौजूद जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाए। इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि फंजाई नहीं करती, ये ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स करते हैं और कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट करते हैं, पर फंजाई ये वाली न्यूट्रिशन नहीं करती। सेप्रोफाइटिज्म या सेप्रोफाइट्स उनको बोलते हैं जो डेड यू नो डेड मैटर या डेड चीजों को डिकम्पोज करें, जिसमें आता है फंजाई। फंजाई का क्या काम है, फंजाई पहले डिकम्पोज करती है उस न्यूट्रिएंट्स को या उस चीज को, फिर उसका फूड डाइजेस्ट करती है और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। तो फंजाई जो है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती है। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो फंजाई पैरासिटिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज किसी और से फूड हासिल करे एज वेल एज उसको नुकसान भी पहुंचाए, तो बहुत सारी फंजाई पैरासिटिज्म या पैरासाइट्स भी होती है। तो हेटरोट्रॉफिक के अंदर मेजॉरिटी फंजाई सेप्रोफाइटिक होती है। ओके नेक्स्ट द लास्ट, लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। सबसे पहले हम पॉजिटिव रोल्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंजाई जो है वो पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली दोनों रोल प्ले करती है एनवायरमेंट में। पहले हम पॉजिटिव रोल की बात करते हैं, फूड के तौर पे बात करते हैं। फंजाई हमारे लिए फूड के तौर पे भी यूज होती है, जैसे मशरूम्स हो गए, मोरल्स, ट्रफल्स, ये तीनों ऐसी फंजाई है जो कि फूड के तौर पे जो है ना यू नो यूज होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेड फंजाई के जरिए यू नो ब्रेड बनाई जाती है। किसके जरिए, बेकरी यीस्ट, यीस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है उसको यूज करके ब्रेड बनाई जाती है, चीज बनाई जाती है और दूसरे किस्म के फूड भी बनाए जाते हैं, अगर बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो। विटामिन्स की बात करें तो बाय यीस्ट एंड माइक्रो प्रोटीन्स जो है ना, यानी कुछ फंजाई से हमें बहुत सारे यू नो विटामिन्स भी हासिल होते हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन की, तो इन चाइना Cordyceps and sinensis and Corallius versicolor are used to strengthen the body immune system for tumor patient. ऐसे you know patients जिनको tumor होता है ना, उनके लिए एक immune, उनके immune system को बेहतर करने के लिए एक कुछ medicines you know use की जाती है, वो medicines fungi से you know बनाई जाती है। तो traditionally अगर देखा जाए तो fungi जो है वो यू नो मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है, विटामिन के तौर पे भी, बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से देखी जाए तो भी हमारे लिए फायदेमंद है, फूड भी प्रोवाइड कर रही है। ये इसके पॉजिटिव रोल्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेडिकली एंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज, अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन आ गई, सही है, सिफेलोस्पोरिन आ गई, फ्यूसिडिन और ग्रीसीफुलविन, ये जो है ना कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई जो है ना यू नो फंजाई के तौर पे ये फंजाई से बन रही है। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमनली है वो पेंसिलिन है और इट इज वन ऑफ द यू नो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। इसके अलावा इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट के तौर पे यूज होती है साइक्लोस्पोरिन, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए यूज होती है सिमवेस्टिटिन, और एंटी एलर्जिक जो है वो कॉर्टिको स्टीरोइड है, और एंटी कैंसर कंपाउंड के तौर पे जो है ना एक नई फंजाई यूज होती है दैट इज कॉरियोलस वर्सिकुलर, ऑर्गेनिक एसिड्स के तौर पे सिट्रिक यूज हो रहा है, ग्लूकोडिन यूज हो रहा है, ऑक्सैलिक फ्यूमिनिन यूज हो रहा है, अल्कोहल के तौर पे इथेनॉल और अल्कोहल और ग्लाइसरोल यूज हो रहा है, और हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स भी एज वेल एज फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोटीएस, सेलुलेज, पेक्टिनेज, लाइपेज, अमाइलेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंजाइम्स हैं जो कि किसी चीज को डिकम्पोज करने में या हाइड्रोलाइज करने में इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी फंजाई एज वेल एज प्रोड्यूस कर रही है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद फंजाई हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी यू नो इम्प्रूव करते हैं। देखिए मिट्टी के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की यू नो पाए जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या कहाँ से आते हैं, जब भी फंजाई किसी चीज को डिकम्पोज करती है तो उसके उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती है, या उसके अंदर मौजूद से जो वो आई मीन टू से उसको डिकम्पोज करके उससे जो न्यूट्रिएंट्स वो यू नो बनाती है, वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उससे नए प्लांट ग्रो करते हैं और अच्छे, क्योंकि सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाती है किसी चीज को डिकम्पोज करने के बाद। इसके अलावा बेटर प्लांट ग्रोथ होती है, जैसे मैंने अभी हमें बताया कि सॉइल फर्टिलिटी की वजह से बेटर प्लांट ग्रोथ होती है और हायर प्रोडक्टिविटी होती है। अब कुछ फंजाई ऐसे है जो कि माइक्रोराइजल फंजाई है, जिनमें रूट्स के साथ साथ डिफरेंट प्लांट्स, मतलब प्लांट के जो ना रूट्स के साथ फंजाई एसोसिएशन में रहती है, तो वो भी प्लांट के लिए ग्रोथ करवाने के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। इसके अलावा
बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी फंजाई यूज हो रही है, जैसे फंजाई आर यूज टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट, नेमाटोड्स, वीड्स एंड अदर, इवन अदर फंजाई। फंजाई को हम यू नो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स को कंट्रोल, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम फंजाई को इस्तेमाल करते हैं। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम नेगेटिव रोल की बात करते हैं। देखिये सेवरल फंजाई डिटेरियट फूड फॉर मैन एंड फीड स्टफ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब ये हमारा फूड स्पॉइल करने के लिए तौर पे भी काम करते हैं, यानी मेरा फूड खराब कर देते हैं एक तरीके से एनिमल्स का, बर्ड्स का, जो भी है। इसके अलावा कुछ ऐसे फंजाई हैं जो हार्मफुल यू नो अदर प्रोड्यूस हार्मफुल हेलोसिनोजेनिक और जो है ना सार्किनोजेनिक और डेडली टॉक्सिन। कुछ ऐसे फंजाई है जो कुछ टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे भी यू नो प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी फंजाई प्लांट डिजीजेस कॉज करती हैं, हवा में भी, मिट्टी में पाई जाने वाली फंजाई जैसे ब्लाइट्स हो गया, मिल्ड्यूज हो गया, रट्स एंड स्मट्स। ये दोनों ऐसी खतरनाक फंजाई है जो पूरे प्लांट्स को तबाह कर देती है एक तरीके से अगर लग जाए प्लांट्स पे तो। इसके अलावा बहुत सारी फंजाई है वो एलर्जी और जो है ना के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है, यानी मेंस के अंदर यानी ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, इन सब के अंदर एलर्जी के तौर पे या स्किन डिजीजेस के तौर पे भी जो है ना बहुत सारी फंजाई काम करती हैं या हार्म पहुंचाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी फंजाई अटैक फिश एंड देयर एग्स, अदर आर हार्मफुल टू बेनिफिशियली इंसेक्ट्स एज सिल्क वर्म एंड हनी बीज। कुछ ऐसी फंजाई है जो कि फिशेस को अटैक करती है, उनके एग्स को अटैक करती है, और कुछ ऐसी यू नो हार्मफुल फंजाई है जो सिल्क वर्म और हनी बीज को भी यू नो इफेक्ट करती है, जबकि सिल्क वर्म हमारे लिए कपड़ा वगैरह बनाने के लिए फायदेमंद एक इंसेक्ट है और हनी बीज से हमें शहद हासिल होता है, तो ये हमारे कुछ फायदेमंद इंसेक्ट्स को भी हार्मफुल या हार्म पहुंचाती है। ओके नेक्स्ट। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपके जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैम फंजाई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। जी बिल्कुल शादिया, फंजाई जो है वो डिकम्पोजर है, बेस्ट डिकम्पोजर है हमारे इकोसिस्टम में पाया जाने वाला, जो दूसरे जानदारों को यू नो डिकम्पोज करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा यू नो हाईली बेनिफिशियल एंजाइम्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, जो हाइड्रोलाइज करते हैं किसी चीज को तोड़ते हैं। इसके अलावा है दूसरा क्वेश्चन, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे फंजाई यूनिसेलुलर नहीं है, सिर्फ एक ही फंजाई यूनिसेलुलर है जो कि यीस्ट है और जो कि बेसिडोमाइकोटा के अंदर यू नो प्लेस किया गया है। इसके अलावा मैम फंगस डिजीज किस फंजाई से होते हैं? बहुत सारी फंजाई से जो है ना यू नो डिजीजेस कॉज होती हैं, जैसे अभी हमने एथलीट्स की बात की, एथलीट्स वगैरह ये जो बीमारियां थी, ये ड्यूटेरोमाइसीट्स ऐसी फंजाई है जो कि एथलीट्स के पाँव में फंजा डिजीज कॉज करती है। तो हर फाइला के अंदर स्पेशली ड्यूटेरोमाइसीट्स और बेसिडोमाइसीट्स, इन दोनों फाइला के अंदर आने वाली काफी फंजाई डिजीजेस भी कॉज करती है। इसके अलावा ये है कि जाइगोमाइकोटा सीड की तरह है, सीड्स की तरह नहीं है, ये स्पोर्स होते हैं। जाइगोमाइकोटा एक ऐसी फंजाई है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पोर्स जब गिर जाते हैं तो सीड की तरह जर्मिनेट करते हैं, आप ऐसे कह सकते हो बिल्कुल। उसके अलावा क्वेश्चन है कि कुछ फंजाई से मेडिसिन बनती है। जी बिल्कुल, मेडिसिन भी बनती है और कुछ एंटीबायोटिक्स भी बनती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ फंजाई पॉइजनस है। जी बिल्कुल, कुछ फंजाई, काफी सारी फंजाई जो है वो पॉइजनस है, जहरीली है, जिसमें मशरूम जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि वो हम फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन आया है कि सिर्फ स्किन डिजीजेस होते हैं या एब्डोमिनल डिजीजेस भी? देखिए अगर नॉर्मली तौर पे क्या होता है, फंजाई हमारा फूड भी स्पॉइल करती है, ठीक है, अगर हम कोई फंजाई से खराब हुआ हुआ फूड अगर खा लें तो जाहिर है फंजाई हमारे इंटरनली जाकर डिजीज कॉज करेगी, लेकिन मेजॉरिटी फंजाई क्या करती है, एक्सटर्नली डिजीज कॉज करती है, स्पेशली स्किन डिजीजेस। इंटरनली तौर पे फंजाई कोई चीज कॉज नहीं करती क्योंकि फंजाई हमारी इंटरनली तक जाती नहीं है। अगर हम किसी फूड या किसी भी गलत चीज को, लाइक अगर हमने कोई यू नो पॉइजनस मशरूम खा लिया तो उसके जरिए हमें बहुत ज्यादा यू नो इंटरनली बीमारी हो सकती है, कोई भी एब्डोमिन में या कहीं पे भी। इसके अलावा अगर हमने यू नो अल्कोहल, अल्कोहल भी तो यीस्ट से बनती है और अल्कोहल जो है वो, और यीस्ट जो है वो फंजाई है,
अगर हम अल्कोहल खा लें या फंजाई से बनी हुई कोई भी चीज खा लें या हार्मफुल फंजाई अगर हमारे अंदर चल जाए उससे हमारे यू नो एब्डोमिनल डिजीज हो सकती है, पर मेजोरिटी फंजाई हमें स्किन डिजीज करती है. ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम. वी हैव डिस्कस्ड their characteristics, you know, their reproductions, their classifications and everything about fungi. In the next class, we will discuss about kingdom plantae. So, if you have any query, feel free to ask in the comment section. We will answer. Hope you get it. Hope you got it. Still you have any confusion, so you can ask. Thank you so much. Allah Hafiz.